विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर स्वास्थ्य विभाग में लगाया गया शिविर। सीएमओ कार्यालय में लगाया मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता शिविर। शिविर का भाजपा जिलाध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया ने किया उद्घाटन। शिविर में मानसिक रोगियों की बढ़ती संख्या पर जताई चिंता। बुजुर्गों और बच्चों में बढ़ रही है मानसिक बीमारियां, जिस पर हुई चर्चा। विशेषज्ञ बोले, अपनों की दूरी से बढ़ रहे हैं मानसिक रोग। शिविर में मनोरोग के बढ़ते मामलों को कम करने के दिए गए सुझाव। इस बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है और मैं कुछ भी नहीं कह सकता। ये मीडिया की खबरें हैं, क्या होगा ये तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है। इसमें मेरी ओर से कुछ भी टिप्पणी किया जाना गलत होगा। आगामी 2024 के चुनाव में कई मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतारने की चर्चा है, जिसमें आपका भी नाम चर्चाओं में काफ़ी तेज है। इटावा से क्या कहना चाहिए? मैं कन्नौज की आपके पास सेवा कर रहा हूँ और कन्नौज की ही सेवा करना चाहता हूँ। जो मीडिया की खबरें हैं वो मीडिया की ही केवल खबरें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कन्नौज की सेवा मुझे करते हुए मात्र अभी 1.5 साल लगभग हुआ है, मुझे लगता है मुझे कन्नौज की सेवा अभी लंबे समय करना चाहिए। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे या विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। और अपने आस पास आज हम देखते हैं कि हर उम्र के लोगों को डिप्रेशन की परेशानी हो रही है। कितने लोग हैं जो आत्महत्या कर ले रहे हैं। अगर हम वरिष्ठ नागरिकों की बात करें तो बहुत से वरिष्ठ नागरिक डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि उनको समाज में जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए सामाजिक काम भी ज़रूरी है, मनोवैज्ञानिक रूप से भी देखना ज़रूरी है, और जहाँ बहुत गंभीर मामले होते हैं उसमें दवाई आदि भी इसमें दी जाती है। तो इसके संबंध में आज चर्चा परिचर्चा जागरूकता के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और हम सबको अपने आसपास भी देखना है, हमारे परिवार में, हमारे पड़ोस में, हमारे मित्र कोई मानसिक द्वंद से जूझ रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना है और उनको तुरंत विशेषज्ञ की सहायता दिलवानी है। स्वच्छता को बेहतर करने के लिए लगातार कार्य किया गया है। और आप देख रहे हैं कि हमारे अनेक गाँव में रिसोर्स रिकवरी सेंटर, यानी कूड़े को मैनेज करने का, प्रबंधन करने का सिस्टम भी आ चुका है। अब इसमें हम लोग का नागरिकों के रूप में बहुत बड़ा योगदान है। सरकार ने सारा सिस्टम बना के दे दिया, लेकिन अगर हम देखें कि हमारी नालियों में, नालों में प्लास्टिक आज है तो हम पाएंगे हाँ है। नगर पालिका उसकी सफाई करती है, हाँ करती है, लेकिन प्लास्टिक फिर से आ जाता है। तो कूड़े को घर से किस तरीके से हम निकालते हैं बाहर, यानी उसको छटा हुआ होना चाहिए, जिस प्रकार के 3 कूड़ेदान दिए गए हैं उस प्रकार उसको वितरित होना चाहिए। तो ये कूड़ा कूड़ा नहीं रहेगा, ये संसाधन रिसोर्स बन जाएगा और उससे नगर पालिका, ग्राम सभा एक्चुअली पैसा कमा सकती है, ना कि उसमें पैसा लगाना है। और ये हम सब के सामने चुनौती है, इसकी जागरूकता हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से भी मेरा अनुरोध है, आपके माध्यम से भी जागरूकता बढ़ेगी। और मुझे पूरा विश्वास है, जो मोदी जी ने एक संकल्प लिया था 9 साल पहले, उसको हम लोग अब निर्णायक मोड़ पे ले आए हैं और कूड़े नाम की चीज़ ही नहीं रहेगी। हर चीज़ संसाधन है, उसको पुनर्उपयोग किया जाएगा, रिसाइकिल किया जाएगा और उसको पर्यावरण के लिए अच्छे तरीके से प्रयोग किया जाएगा। ये मेरा माटी मेरा। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्ता पूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।